स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब डिटेक्टर में। दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बिग अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंटों के लिए, जिनके पास दोस्तों आप यहाँ पे ट्वेल्थ पास हो या आईटीआई पास हो, उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एयरफोर्स ज्वाइन करने का। यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी आ चुकी है, पूरा डिटेल आपको बताएंगे किस तरह आपको अप्लाई करना है और आपका क्या है एज लिमिट और किस तरह अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे इसका एग्जाम सेंटर होगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन तो सिंपल से आपका ट्वेल्थ चाहिए और आईटीआई चाहिए, बट कितना परसेंटेज चाहिए, क्या एज लिमिट, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होता है कि एज लिमिट क्या होता है, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और उसके जरिए आपको पूरा डिटेल बात करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार आ रहे हो, ताकि इसी तरह आपको गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि निकला हुआ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, यानी भारतीय वायुसेना। बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे ड्रीम रहता है कि मैं यहाँ पे एक बार जाके काम करूँ इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है। काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों यहाँ पे वर्क, ठीक है। देखिए इसका सबसे पहले बात करें तो इसका एग्जाम सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इसका एग्जाम सेंटर होगा कहाँ। तो याद देखिए इसका एग्जाम सेंटर होगा आपका नासिक में, ठीक है। याद देखिएगा नासिक आपको पता ही महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, काफ़ी फेमस जगह है, नासिक पे इसका होगा एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। यदि आप फिल करना चाहते हो उससे पहले जान लेना चाहिए कि एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पर बात करें देखिए वैकेंसी क्या है, तो यहाँ वैकेंसी आपका इन एयरफोर्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ठीक है। सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जो भी आपका होगा, देखिए कोर्स का नाम है 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। काफी अच्छा है दोस्तों। देखिए और एक बात बात करें तो देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा आपको पूरा कैटेगरी वाइज देख रखा है एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट ध्यान दीजिएगा, उससे पहले आइए और कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले एक नंबर में चलते हैं कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा कैंडिडेट को स्टेप बाय स्टेप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और उसके यार यदि अप्लाई वाला वीडियो चाहते हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट कीजिएगा तो ही मैं अप्लाई वाला वीडियो बना दूंगा। देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे दे के रखा हुआ है, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे साइज देख रखा है 50 KB फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। और आपका एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए जो कि एक कॉमन है, आपको बात करें तो दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए आप बात जान करते हैं इसका कि देखिए इसका देखिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा आपके पास 10th + 12th इक्विवेलेंट आपका एग्जामिनेशन पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। हाई मार्क्स नहीं रखा यदि 12th आप पास हो 50% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास आईटीआई है 65% एग्रीगेट मार्क्स के साथ तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें ज्वाइन हो जाएगा तो मुझे स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा। तो याद रखिए स्टाइपेंड आपका 7,700 पर मंथ आपको दिया जाएगा, जो भी आपका गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से जो कि पे किया जाता है आपको दिया जाएगा 7,700, ठीक है। और बात करें तो पार्ट टू सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन आपको ये सब में आपको पोस्ट होगा जो कि काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों। याद रखिए यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, यहाँ का आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है। देखिए वैकेंसी की बात करें यहाँ पे किस कौन कौन से कितने वैकेंसी है, देखिए यहाँ पे कोर्स नंबर है, यहाँ पे जितने भी होता है ना उसका एक कोर्स नंबर है। देखिए ये आपका कोर्स है, मैकेनिस्ट है, सीट मेटल है, वेल्डर है, गैस इलेक्ट्रिक है, मैकेनिक है, देखिए सब में आपका वैकेंसी देख रखा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए फिटर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे 36 पोस्ट लगभग फिटर का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल 36 पोस्ट है यहाँ पे फिटर का, 26 माफ कीजिएगा यहाँ पे 26 पोस्ट है फिटर का। वहीं इलेक्ट्रीशियन और एयरक्राफ्ट की बात करें 24 पोस्ट है कि जो सबसे ज़्यादा है। और देखिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखिए लास्ट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 19 फरवरी है। देखिए रिटर्न एंड प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 1 से 3 मार्च 2022 के बीच होगा। डिक्लेरेशन मेरिट यानी आपका मेरिट आ जाएगा 17 मार्च को और आपका ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा 1 अप्रैल तक, ठीक है। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए यदि आप इसमें ज्वाइनिंग करना चाहते हो। मेडिकल भी होगा आपका सिंपल से, क्योंकि आप फोर्थ लाइन में जा रहे हो तो मेडिकल होना काफ़ी कंपलसरी है, तो यहाँ पर आपका मेडिकल भी लिया जाएगा। बस ये थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन है जो कि आप लोगों को बताना था, इंटरेस्ट हो तो जरूर इसको अप्लाई कीजिए क्योंकि एयरफोर्स में जाने का एक बिग अपॉर्चुनिटी है। इसके बावजूद भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा तो आप लोगों को कमेंट से प्रॉपरली आपको हेल्प किया जाएगा। बाकी आप नीचे सोशल मीडिया हैंडल है उसमें आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। और इसका अप्लाई वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ज्यादा कमेंट होगा तो मैं जरूर इसका अप्लाई वीडियो बना के ला दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।